मिस कर गए थे ना खाना। ये खाने की खुशबू है, वतन की मिट्टी की खुशबू और खाने की खुशबू, दोनों ही जनाब हमें बिल्कुल नहीं भूलती। और अपनों की मिलने की जो चाह होती है वो हमें नहीं भूलती। और जब हम लोग परदेसी लोग यहाँ से बाहर से जब जाते हैं ना, तो ये सब चीज़ें हमें बहुत बहुत ज़्यादा याद आती हैं जब हम वापस आते हैं यहाँ पर। और हम ना वो जैसे होते हैं ना, जैसे भूखे भूखे टूट रहे हैं, भूखों की तरह हम खानों पर टूटते हैं। क्योंकि दुबई में जब हम लोग थे तो वहाँ पे तो हलाल फूड और सब चीज़ें, टेस्ट पाकिस्तानी सब हमें मिल जाता था। जब से यूरोप में आए हैं ना, यूरोप ने तो हमें ना तिगनी का नाच नचा रखा है। यूरोप में खाने की ना बड़ी कोई अजीब किस्म की सिस्टम है। यहाँ पे आपको पता है बस हलाल फूड जो नहीं मिलता, और जो फूड मिलता है वो काफ़ी यहाँ से दूर होता है, और होम डिलीवरी भी काफ़ी मुश्किलों से आपको यहाँ पर मिलती है। वो मज़े जो दुबई में थे या वो मज़े जो पाकिस्तान में थे, वो हमें यहाँ नहीं मिलते। डेली की रूटीन में आप सबको बताती चलूँ कि पाकिस्तान में इतनी कोई टफ़ हो जाती है ना कि रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल। तो इस दफ़ा मैंने बहुत ही कम वीडियोस जो है ना वो रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि मैंने अपना फोकस रखा था अपनी चीज़ों पे कि मैंने खूब सारा इंजॉय करना है, अपनों से मिलना है, अपने फादर के साथ रहना है। तो ज़्यादा टाइम मैंने वहीं पर स्पेंड किया था। लेकिन जाते आते जो है ना, आपको पता आपकी बाजी रहती नहीं है शॉपिंग से, तो जाते आते ना, जाते हुए भी मैं शॉपिंग पर जाती थी और वापसी पर भी मैं जल्दी थोड़ी निकलती थी कि शॉपिंग पर जाना है। तो रास्ते में जो ना, अच्छा मैं आपको बताती चलूँ कि इस्लामाबाद से हूँ, क्योंकि तो वहाँ पे सारे ब्रांड्स जो है ना वो मौजूद हैं। तो यहाँ से जब वहाँ जाती हूँ ना, तो वहाँ पे पाकिस्तानी ड्रेसेस क्योंकि पहनने पड़ते हैं। यहाँ से मैं अपने 3-4 बैग लेके गई थी, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि 2 बैग मैं बिल्कुल खाली लेके गई थी, कोई यकीन नहीं कर रहा था। और मैं सबको बोल रही थी कि मैं 2 बैग अपने पूरे खाली लेके आई हूँ, आप बेशक देख लेना मैं लेके आऊँगी दोनों बैग खाली। दोनों बैग मैं खाली लेके क्यों गई थी, क्योंकि मैंने जाते ही जनाब शॉपिंग पे हल्ला बोल दिया था, और जाते ही मैंने शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी वापसी की। और वहाँ पर जो पहनने वाले ड्रेसेस थे वो भी मैंने वहीं से बाय किए। अच्छा यहाँ पे मैं एथनिक पे हूँ, यहाँ पे भी बहुत अच्छे, क्योंकि ईद के दिन चल रहे थे तो ईद की जो है ना ड्रेसेस और इस तरह की चीज़ें चल रही थी, और काफ़ी अच्छे इनके डिज़ाइंस होते हैं, मुझे काफ़ी ये ब्रांड ना पसंद है, तो इनके ड्रेसेस काफ़ी अच्छे थे। और यहाँ मेरे साथ मेरी सिस्टर थी जो मुझे पसंद करवा रही थी, बोल रही थी तुम तो ना, तुम्हें तो कोई भी ड्रेस जो है ना इस तरह का भरा हुआ ड्रेस बस मिल जाए तो पहन के ही छोड़ती हो। तो ऐसे ही मैं इसको दिखा रही थी कि मैंने कहा मुझे ये वाला सेल में तो अच्छा लग रहा है, मुझे ये येलो कलर, पता नहीं इस दफ़ा ना मेरे येलो के ऊपर बहुत दिल मैं फेंका हुआ था मैंने येलो के ऊपर। और ब्लैक तो ऑलवेज़ माई फेवरेट कलर, तो ब्लैक एंड येलो इस तरह के कम्बिनेशन काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो एथनिक पे मैं गई हूँ जाते साथ, और वहाँ से मैंने कुछ ड्रेसेस उठाए हैं, और क्योंकि स्टिच ये है कि आपको आराम से आप पहन सकते हैं कहीं पे भी, किसी भी जगह पे आप पहन के जा सकते हैं। और आजकल तो इस तरह के शरारा गरारा चल रहे हैं, तो आपको आराम से जो है ना वो कहीं पर भी आप कैरी कर सकते हैं। और अनस्टिच भी मैंने लिए थे, बट अनस्टिच आपको पता है स्टिच होने में काफ़ी टाइम लेता है, लेकिन ये है कि जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताती चलूँ कि आप नॉर्मल टेलर को अगर देती हैं तो आपको 1-2 वीक में आपको स्टिच करके देगा। लेकिन अगर आप जानती हो कामरान मार्केट जो कि रावलपिंडी वाली तरफ है, वहाँ पे आपको बहुत ही जल्दी 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर आपको जितने भी आप ड्रेसेस देंगी ना वो आपको स्टिच होके जनाब मिल जाएंगे, वो आपको होम डिलीवरी भी कर देंगे और इजीली आपको मिल जाएगा।
ये भाई की शॉप है भाई, ठीक है, इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी है। निशात, खड़ी, गुलमत, ये सब उनके प्रिंट है। आप मुझे अपने और कार्ड कार्ड है इनका, ये कार्ड है, चाहता बेडशीट कमर्शियल मर्जी। और इनके पास वाकई बहुत अच्छी वैरायटी है, ये जो टेबल रनर्स और बाकी सब चीजें बहुत अच्छी है। ₹100 किलो चाहिए, ₹100 किलो। ये लो ना, इनका जो है ना एक खर्चा कराओ, ठीक है, अगर लिया तो ये लास्टिक जो है ना, ये हाँ। ये नया डाल दो, ₹10 मुझे देता है अभी, ये और भी फिट हो जाएगा। अभी नहीं है, अभी मेरे पास अभी सही है, खराब नहीं है था, लेकिन फिर भी ना वो सही बंद हो गया, ठीक है, लेकिन टूटा नहीं है। इन्हें देखो, माशाल्लाह, बाजी गुल है, बाजी गुल है, बाजी गुल पठान, बाजी वैसे ही गुल, बाजी गुल पठान। ये देखो सोना रंग का है, चलो इसमें डाल दे, छोटे से छोटे नहीं बड़े साइज चाहिए। अच्छा साइज चाहिए, देखो ये गिर रहा है। अच्छा मैं चला जाएगा, ये क्या ये भाई बोरा खोल रहे हैं, इसमें से भाई बोरा प्लेट तो हम देख लें, सबको बोरे चाहिए। कितने तोते मैं उड़ाती हूँ।
आगे साथ वो चाहिए ना, वो शर्ट देख लो कौन सी, ठीक है कौन सी, ब्लैक वाली कौन सी।